नमस्कार, मैं कनिका वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। राइट बंधुओं ने आज के दिन सेना के लिए बनाया था पहला विमान। राइट ब्रदर्स ने 30 जुलाई 1909 को सेना के लिए पहला विमान बनाया था। इससे पहले उन्होंने 1903 में एक हवाई जहाज बनाया था, लेकिन इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। 1905 में उन्होंने राइट फ्लेयर 3 बनाया, जिसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था। वहीं 1906 में अल्बर्टो सेंटोस डुमोंट ने दावा किया कि उसने पहला हवाई जहाज बनाया है और 22 सेकंड में 220 मीटर की ऊंचाई पर जाकर विश्व कीर्तिमान रचा था। राइट बंधुओं के आविष्कार को लेकर काफी विवाद हुए और फ्रांस की एक कंपनी ने इस तरह का आविष्कार करने का दावा किया, लेकिन 1908 में पूरी दुनिया ने राइट बंधुओं के आविष्कार को मान्यता दी। ग्रिड फेल होने से आज के दिन गुल हो गई थी पूरे उत्तर भारत की बिजली। 30 जुलाई 2012 को अचानक उत्तर भारत के 7 राज्यों में रात 2:30 बजे बिजली चली गई थी। दरअसल इस दिन उत्तरी ग्रिड में खराबी के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक साथ बिजली गुल होने से 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। बिजली आपूर्ति अचानक ठप होने के कारण इन राज्यों में ट्रेनों को भी बीच रास्ते में रोकना पड़ा था और दिल्ली में मेट्रो सेवा भी थम गई थी। मेट्रो न चलने से दिल्ली की रफ्तार जैसे रुक सी गई थी और बिजली पर निर्भरता का असर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महसूस किया गया था। आज के दिन हुआ था क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 30 जुलाई 1882 को मिदनापुर में हुआ था। वह अरविंद घोष के प्रभाव से क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। किंग्सफोर्ड पर हमले के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के आरोप में सत्येंद्र बोस को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। जेल में अलीपुर बम कांड के आरोपी भी बंद थे। उन्हीं में से एक वीरेन गोस्वामी सरकारी गवाह बन गया था, इसलिए जेल में ही उसकी हत्या करा दी गई। हत्या के आरोप में सत्येंद्रनाथ बोस पर मुकदमा चला और फांसी की सजा दी गई। आज के दिन हुआ था देश की पहली महिला विधायक मुथु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म। देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक डॉक्टर एस मुथु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 को हुआ था। डॉक्टर मुथु लक्ष्मी देश की पहली महिला विधायक होने के साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थी। उनके जन्मदिन पर 30 जुलाई को तमिलनाडु में हर साल हॉस्पिटल डे मनाया जाता है। मुथु लक्ष्मी मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली महिला छात्रा भी थी। उन्होंने चेन्नई में एक कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जो आज दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है। 1956 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 30 जुलाई दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी, यात्रा के योग हैं। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्र को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार का सफेद तथा निषेध रंग काला सिलेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु ये सब अस्थायी है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%।
कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्ति होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है। भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706000446 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।